Hello students, in this lecture we are discussing chapter 2 of your NCERT textbook numerical 2.1 exercise का 2.1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये दो एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जो मैं एक आपको करवाऊँगा, दूसरा आपको होमवर्क में करना है। What is the fundamental for such kind of problem? So in the previous lecture we have discussed the potential due to a point charge, उसका फॉर्मूला आपको पता है। पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज दैट मीन्स अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सो सिंपली हमको ऐड करना है विथ चार्ज वी हैव टू पुट विथ साइन। सो सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो उसके लिए आपको एक न्यू कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। सो उसका फंडामेंटल आप यहाँ पे देख सकते हो, के क्यू बाई आर क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। NP आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ये वाला फंडामेंटल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, न्यूट्रल पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रल द वर्ड मीनिंग? सो आपको पता है कि वी इक्वल टू के क्यू बाई आर है। वी इक्वल टू क्या है? के क्यू बाई आर। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर होगा। तो वी का प्रोपोर्शनलिटी क्यू पे भी है, आर पे भी है, तो उसी हिसाब से हम लॉजिक सेट कर सकते हैं। तो क्या दिया गया होगा आपको? ये है क्यू वन चार्ज, ये है माइनस क्यू टू चार्ज। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या होगा कि इस दोनों चार्ज के ज्वाइन करने की जो लाइन है उस पर हमको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे? तो हमें ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे। आप चेक कर सकते हो ये वाले फंडामेंटल से। पी एंड क्यू दोनों पॉइंट आप देख सकते हो, पी पॉइंट क्यू टू से नियरर है और क्यू पॉइंट भी क्यू टू से नियरर है। जो लेस मैग्नीट्यूड होगा, जिस चार्ज का लेस मैग्नीट्यूड होगा उसके नियरर हमको पॉइंट्स मिलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट्स वी गेट नियरर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये वाला फंडामेंटल आपको लिख देना है अपनी नोटबुक में। न्यूट्रल पॉइंट के हिसाब से आप देख सकते हो वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर। तो कोई बोल सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं, क्यू वन के लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं होगा यहाँ पे कोई पॉइंट? तो आप देख सकते हो कि इसकी जो दूरी है वो कम है। यदि दूरी कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसके वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो बढ़िया वैल्यू होगी, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू कम होगी। तो आपको पता है एक ज़्यादा वैल्यू है, दूसरी कम वैल्यू है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो कभी भी ज़ीरो आंसर नहीं आएगा। न्यूट्रल मीन्स वॉट? पी एंड क्यू आर सच पॉइंट्स एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज ज़ीरो, ड्यू टू क्यू वन एंड क्यू टू इज ज़ीरो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूरी कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ओके यहाँ पे भी पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ये वाला फॉर्मूले से आप इतना अपने माइंड में बिठा लो तो आपको इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक आ जाएगी। न्यूट्रल पॉइंट इन दिस केस वी गेट नियरर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके तो ये वाला स्मॉलर है तो उसके नियरर आएगा पी एंड क्यू। तो सेम फंडामेंटल यूज करके हमको डेटा दिया गया है और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज इन द डेटा? क्यू वन एंड क्यू टू, टू चार्जेस इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द नेट पोटेंशियल इज जीरो, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो उसमें आप देख सकते हो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, दोनों का सेपरेशन कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर, ओके तो नो नीड टू कन्वर्ट बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में लेंगे तो फाइनली भी हमको किस में मिलेगा? सेंटीमीटर में, ओके तो लेट्स टेक वन पॉइंट, अभी हमने पढ़ा वन पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम Q1। तो क्या हमने लिखा? नेट पोटेंशियल इज जीरो एट पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल इज जीरो एट पॉइंट पी। एंड व्हाट इज पी? सो पी एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू, ओके सो व्हाट इज V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो? नेट पोटेंशियल इज जीरो मीन्स एडिशन ऑफ बोथ ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज इज जीरो। आपको पता है वी के क्यू बाई आर है, ओके तो V1 से आइए दूरी कितनी है तो x है, और इनसे इतनी दूरी कितनी है? 16 माइनस एक्स। तो आप इसको राइट साइड प्लेस करोगे, के कट हो जाएगा। आपको पता है Q2 नेगेटिव है, Q2 का चार्ज नेगेटिव है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आपको क्या करना है? आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये स्टेप मिलेगा।
ये वाला प्लस हो गया, और उसके हिसाब से आप एक्स कैलकुलेट करोगे। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। एक्स 10 सेंटीमीटर आया, तो एक्स कहाँ से डिस्टेंस आप फ्रॉम द चार्ज Q1, एक्स कहाँ की दूरी थी Q1 चार्ज से गिवन पॉइंट की दूरी थी। केस नंबर टू तो हमको दूसरा भी न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। कहाँ पे मिलता है? टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द Q2 चार्ज। तो यहाँ पे हमको पता है Q1 Q2 की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी है x। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि Q1 से Q की दूरी कितनी मिल गई 16 + x। तो ये सेकेंड हमारा नल पॉइंट है कि जिसकी वजह से दोनों सिस्टम के चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। तो नेट पोटेंशियल इज जीरो एट विच पॉइंट? क्यू पॉइंट। दैट मीन्स V1 + V2 इक्वल टू जीरो। वही मेथड है, ओनली डिस्टेंस चेंज है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, सेम टाइप की क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, ये बात आपको दिमाग में स्टोर करनी है कि जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके जो चार्ज का फॉर उसमें जो चार्ज आता है तो वो चार्ज हमें साइन के साथ रखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओके, तो उसी हिसाब से आपको क्या कौन सा आंसर मिलेगा? एक्स इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आप खुद से ट्राई कीजिए फ्रॉम द Q2 चार्ज, फ्रॉम Q2 चार्ज। और ऐसा ही एग्जाम्पल आपका इल्यूस्ट्रेशन 2.2 है, वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। उसमें दो चार्ज की वैल्यू दी गई है, वो द वैल्यूज आर चेंजेस फ्रॉम दिस एग्जाम्पल एंड द डिस्टेंस जो दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही मेथड से आप खुद से ट्राई कीजिए। हाँ, इसका दूसरा भी आंसर पॉसिबल होता है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस कौन सा लिया? Q2 चार्ट। तो Q2 से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यदि आप डायग्राम देखो, ये वाला 24 आया, तो Q1 से आपको आंसर दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो आप कितना ऐड करोगे? 24 + 16। ओके, 24 + 16 दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। तो यदि आप Q1 से आंसर लिखना चाहते हो तो ये Q पॉइंट की दूरी जितनी है वो आपको लिखना है। यदि आप Q2 से लिखना चाहते हो तो इसकी दूरी जितनी है वो आपको लिखना है। तो वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, न्यूट्रल पॉइंट का फंडा आपको अभी क्लियर होगा। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स एट दैट पॉइंट द नेट पोटेंशियल इज जीरो। यदि फील्ड की बात कर रहे हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यदि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट इज जीरो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है एक्सरसाइज का 2.4। सो उसके लिए आपको देखना है एक्सरसाइज का 2.4 सम। व्हाट इज इन द डेटा? तो आपको 12th चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 है ना, 12th का, उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि आपने पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, उसमें थर्ड एप्लीकेशन रिकॉल कीजिए, वो हमें स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ा था। स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है डेटा में, तो डेटा में आप गौर कीजिए। डेटा क्या है, मैं आपको जहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्फेरिकल कंडक्टर, वहाँ पे अंडरलाइन कीजिए। एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सर्फेस। तो आपको पता है जब भी सेल होती है तो चार्ज कौन से चार्ज कहाँ पे होता है? ऑन दी सर्फेस स्फेरिकल सेल, उसको स्फेरिकल कंडक्टर भी बोला जा सकता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, ये दोनों जो वर्ड्स है वो सेम है। तो व्हाट इज टोटल रेडियस? तो यदि आपको जो थियरी में हमने पढ़ा है वही सिंबल मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। कैपिटल आर इज 12 सेंटीमीटर, दैट इज ओरिजिनल रेडियस ऑफ सेल। चार्ज दिया गया है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सर्फेस। हमको 3 वजह से कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट, जस्ट आउटसाइड दैट मीन्स सरफेस पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए हमको रेडियस दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल, ओरिजिनल सेल की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और आउटसाइड जो पॉइंट दिया गया है उसकी रेडियस कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो 18 से ही मैंने पता कर लिया कि ये पॉइंट कहाँ का है, आउटसाइड पॉइंट है। तो आप पहले डेटा पढ़िए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। यदि आपको थियरी आती है तो ओनली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, कोई फंडामेंटल यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होने वाला। तो आपको पता है थियोरी में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी फॉर इनसाइड पॉइंट,
ओके हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था. नाउ बी पार्ट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर और स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल सेल. सो व्हाट इज ई, के क्यू बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आर को आपको एसआई में लिखना है. आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में. ओके यहाँ पे भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि के का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है. तो ये वाली आंसर आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको वीडियो पॉज करके आपको लाना है. और थर्ड पार्ट एट आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर का भी आंसर आपको खुद से ट्राई करना है, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या होगी 18 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करके प्रॉपर आंसर ला सकते हो. तो ये वाला क्वेश्चन हम ओवर करते हैं. नेक्स्ट है 2.12 एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है. बहुत ही सिंपल है और उसको हमने थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी में ये बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है. तो हम रिकॉल कर देते हैं कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज होने वाला है. वर्क डन टू मूव अ क्यू चार्ज इन अ गिवन फील्ड. सो क्या फॉर्मूला था, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्यू इज अ अमाउंट ऑफ चार्ज. सो व्हाट इज इन दिस डेटा, डेटा के डेटा पढ़ने से हमको ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा. तो आपको डेटा दो तीन बार पढ़ना है खुद ही. तो क्या दिया गया है, चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम सेंटर पे दिया गया है. ये हमने y सेंटीमीटर में लिया है, z सेंटीमीटर में लिया है. तो आप एक्सिस चेंज कर सकते हो, तो ये मैंने y ली, ये z, तो ये वाली कौन सी हो गई x. ओके नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज नेगेटिव 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P2 Q2R और PQR मैंने लोकेट किए हैं. तो आपको बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, P का कोऑर्डिनेट दिया है 3 सेंटीमीटर, मींस जो Z है वो 3 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पे Z ली है, तो उसका क्या है 3. आप देख सकते हो ये 3 होगा. क्यों पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर पे. तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट 4 दूरी पे क्यों है. और ये बीच वाला पॉइंट R दिया है, जिसमें Y कोऑर्डिनेट 6 है और Z कोऑर्डिनेट 9 है. तो आप देख सकते हो कि ये P से R जा रहा है और R से कहाँ पे आ रहा है, Q पे. हमको पता है वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो हमको दो चार्ज दिए, ये सेंटर पे कितने हैं 8 मिलीकूलम, उसको मैंने कैपिटल Q नाम दिया. आप देख सकते हो O से P की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, O से Q की कितनी है 4 सेंटीमीटर. तो आप रिकॉल कीजिए, ये वाला मेरा R1 हो गया, R1 मेरा क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, R2 क्या हो गया 4 सेंटीमीटर. ओके क्यों हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो दूरी है वो मैंने कैलकुलेट कर दी. तो हमको पता है वर्क डन कैलकुलेट करने पे लिए ये फील्ड कौन सी है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. जो उसका फंडा क्या था, वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. तो आप देख सकते हो ये पाथ हमको पता, पाथ को हमको कंसिडर नहीं करना है, पी एंड क्यू को हमको कंसिडर करना है. दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल. सो वॉट इज माई डेल्टा वी, वी क्यू माइनस वी पी. एंड कौन सा चार्ज मूव हो रहा है, तो यहाँ से क्यों चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, और क्यों का वैल्यू कितना है, नेगेटिव है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है. तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज माय वर्क डन, क्यू इनटू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल का किसका पॉइंट था, पी क्यू, एंड इनिशियल कौन सा था, पी. तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फाइनल माइनस इनिशियल है. अभी हमने थियरी में पढ़ा था क्यू एज इट इज़, वी की वैल्यू प्लेस की के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर वन. तो आर टू क्या थी 4 सेंटीमीटर था, आर वन क्या था 3 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वही वाला लॉजिक. ये 10⁻²⁻ न्यूमरेटर में गए तो 100 को आप कॉमन ले सकते हो. तो वीडियो को पॉज करके जो सिंप्लीफिकेशन है खुद से ट्राई कीजिए. और बी रिमेंबर द वैल्यू ऑफ क्यू वेन एवर वी आर प्लेसिंग दैट इज नेगेटिव फॉर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल. ये वाला पॉइंट मूव हो रहा है और ये वाला पॉइंट जो क्यू है, ये एक बड़ा क्यू, तो वो आपको पता है 8 मिलीकूलम दिया गया है एट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो आपको वर्क मिलेगा 1.2 जूल और वो आर पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है. तो उसका कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, सिंपल फंडामेंटल है. डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया. ओके नाउ नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 2.13 एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है.
अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच वर्टेक्स, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस एंड ऑफ द सेंटर ऑफ क्यूब। तो आपको पता है क्यूब में कितने पॉइंट्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। तो सारे वर्टेक्स पे कितना चार्ज है, क्यों चार्ज है, जो भी मैंने ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट किया है वो नेम दिए गए हैं। सो जो ब्लैक पॉइंट से इंडिकेट किए वो नेम है। आप ये क्यूब है बड़ा सा ड्रॉ कीजिए, वेरी बिग, ताकि आपको डायग्राम से ही पूरा क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, तो हम पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन को हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं एक डायग्राम में, मैं एक पेज में आपको दिखाता हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि ये क्यूब है सिंपल सा, रफली मैं बताता हूँ। यदि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं और ये वाला, ये दोनों अपोजिट हो गए, डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट, ये ए एंड वॉट एवर इसका नाम हम देते थे ई, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। तो आपको पता है कि सेंटर पे, सेंटर से जो भी वर्टेक्स है ना उसका डिस्टेंस सेम है। सेंटर से कोई भी वर्टेक्स ले होंगे तो उसका डिस्टेंस सेम होगा, और ये इससे इतनी दूरी और इससे इतनी दूरी सेम होगी उसकी वजह से। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये नेगेटिव है, सॉरी ये भी पॉजिटिव है, तो इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई पॉइंट। आप देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसा आया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो क्या हो गया, वो दोनों इफेक्ट एक दूसरे की इफेक्ट नलीफाई कर देंगे। तो सारी जो सिमेट्री है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेंटर पे ज़ीरो आएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस है वो रिपेल करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ए की इधर और सी की, सॉरी ई की इधर आएगी। तो आप देख सकते हो कि वो नलीफाई करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो गई, ज़ीरो। लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ ड्यू टू, सो हमको हमने लिखा है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्जेस प्लेस एट दी सम डिस्टेंसेस, एट दी सेम डिस्टेंसेस ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ क्यूब। तो आप देख सकते हो ये वाला अपोजिट हमने कंसीडर किया, कोई भी आप अपोजिशन का दो वर्टेक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ज़ीरो। ओके, ये ओरली भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट है, तो उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, 8, क्योंकि ऑल वर्टेक्स पे कितने चार्ज है, क्यों 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 क्यों, तो 8 चार्जेस है। तो कितनी बार हमको पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा, 8 टाइम्स। सो 8 टाइम्स k³/r लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो क्यूब का सेंटर से डिस्टेंस है वो सारे वर्टेक्स तक सेम है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 टाइम्स k³/r। तो हमको सिंपली ये वाला सेंटर है क्यूब का, उससे कोई भी वर्टेक्स का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमको दो ट्राइंगल यूज़ करने पड़ेंगे। ये 2D डायग्राम है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, 3D है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट ए बी और ये सी। तो आपको पता है ये वाली लेंथ सेम है, ये भी सेम है, तो डायगोनल कितना होगा पाइथागोरस से, ये बी है, ये बी है, तो डायगोनल कितनी आई, √2b। तो मैं ऐसे, तो आप देख सकते हो कि ये वाला ट्राइंगल जो हमने पहले शो किया ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी। तो यहाँ पे राइट एंगल ए है, तो आपको पता होगा कि ये √2b है, ये कितना है, √2b डायगोनल। और इसमें देख सकते हो कि ए सी की लेंथ कितनी होगी, √2b। AD कितना है, B है, AD कितना है, B। तो ये डायगोनल कितना आएगा, ये √2² और यहाँ पे B, तो क्या आएगा, √3b, क्या आएगा, √3b। अब आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है CD के बीच में, वो √3b है, लेकिन हमको सेंटर से कैलकुलेट करना है। तो इस यहाँ पे सेंटर होगा तो ये कितना होगा, हाफ होगा उससे। तो ऐसा फंडामेंटल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब, तो वो कितना है, √3b, कितना है, √3b लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। तो आपको पता चल गया।
ये लेंथ सी डी की, ओके तो ये कितनी है रूट थ्री बी। जो भी मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए वो आप रफ में और इस नोटबुक में एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख सकते ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सी एंड दी वर्टेक्स ऑफ क्यूब इज स्मॉल आर, सो यदि मैं सेंटर से इसका दूरी जो स्मॉल आर लेता हूँ तो स्मॉल आर कितना होगा, इससे हाफ होगा। अभी मैंने आपको बताया रूट थ्री बाई टू बी, तो हमको जो आर कैलकुलेट करना था वो हमें मिल गया। तो वॉट इज माई फाइनल पॉइंट, वी एट सेंटर मीट ड्यू टू ऑल दी वर्टेक्स, तो वो हमें पता है एट टाइम्स के क्यूब बाई आर। सिंपली आर को हमने कैलकुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्यूब ज्योमेट्री, सो रूट टी बी बाई टू। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 16 के क्यूब बाई रूट थ्री बी। यदि के की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो के टर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो ऐसे सिंपल ज्योमेट्री है वो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।